पिछले लंबे समय तक हम इनको पत्र लिख रहे थे, पत्राचार से हमारी बात हो रही थी। मैं परसों खुद राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के पास जाके आया, मैं ऊर्जा मंत्री से मिल के आया, बावजूद इसके किशनगढ़ विधानसभा और पूरा अजमेर जिला पानी के लिए तरस है, दर दर की ठोकरें उनको खाने को मिल रही है। अजमेर वो जिला है जिस जिले के लिए टोंक जिला और अजमेर जिले के लिए बिसलपुर परियोजना बनी थी। आज परियोजना हमारे लिए बनी लेकिन हमारा पानी जयपुर दिया जा रहा है। हम नहीं कहते कि जयपुर को पानी मत दो, लेकिन हमारे अजमेर और किशनगढ़ का अधिकार का पानी हमें मिले। दूसरा, बुनियादी जरूरत बिजली की। मैं उस व्यापारिक नगरी से आता हूँ जहाँ मार्बल की इंडस्ट्री इस राजस्थान को सबसे ज़्यादा GST देती है, बावजूद इसके बार बार ट्रिपिंग होने के कारण व्यापारी आम जन परेशान है। जी हाँ। आज हम जिलाधीश महोदय के पास, पिछले लंबे समय तक हम इनको पत्र लिख रहे थे, पत्राचार से हमारी बात हो रही थी। मैं परसों खुद राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के पास जाके आया, मैं ऊर्जा मंत्री से मिल के आया, बावजूद इसके किशनगढ़ विधानसभा और पूरा अजमेर जिला पानी के लिए तरस है, दर दर की ठोकरें उनको खाने को मिल रही है। अजमेर वो जिला है जिस जिले के लिए टोंक जिला और अजमेर जिले के लिए बिसलपुर परियोजना बनी थी। आज परियोजना हमारे लिए बनी लेकिन हमारा पानी जयपुर दिया जा रहा है। हम नहीं कहते कि जयपुर को पानी मत दो, लेकिन हमारे अजमेर और किशनगढ़ का अधिकार का पानी हमें मिले। दूसरा, बुनियादी जरूरत बिजली की। मैं उस व्यापारिक नगरी से आता हूँ जहाँ मार्बल की इंडस्ट्री इस राजस्थान को सबसे ज़्यादा GST देती है, बावजूद इसके बार बार ट्रिपिंग होने के कारण व्यापारी आम जन परेशान है। बड़ी बात, हमारे साथ किसान भाई भी आए हुए हैं जो हमारे अराई बेल्ट और सुरसुरा बेल्ट के किसान है। यदि आप इस 45 डिग्री टेम्परेचर में किसानों को दोपहर में बिजली देंगे तो उनकी फसलें सारी खराब हो चुकी हैं। हमने कलेक्टर को निवेदन किया है कि किसानों को या तो सुबह जल्दी बिजली दे या शाम को बिजली दे। तीसरी मांग हमारी थी वो स्वास्थ्य को लेकर थी, 5 सूत्रीय मांग लेकर हम यहाँ आए हैं। स्वास्थ्य, किशनगढ़ का यज्ञनारायण अस्पताल इस जिले का जिला अस्पताल कहलाता है, लेकिन आम जनता की भाषा में पिछले 10 साल के जो विधायक आए हैं उन विधायकों की अक्रमणता के कारण वो जिला अस्पताल रेफरल अस्पताल बन गया है। सोनोग्राफी की मशीन लंबे समय तक वहाँ पड़ी है लेकिन सोनोग्राफी वहाँ होती नहीं है, वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, गायनिक वार्ड में महिलाएं परेशान होती है। और 40 करोड़ पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने अस्पताल की नई बिल्डिंग के लिए दिए, आज 6 महीने के बाद भी वो बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि यहाँ अजमेर जिले में जो भाजपा के 7 विधायक हैं जिनमें से एक यहाँ के राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष हैं, एक यहाँ से कैबिनेट मंत्री है, 7 विधायकों के साथ यहाँ सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, बावजूद वो हमारे हक का पानी हमारे को नहीं दिला पा रहे हैं, हमारे हक की बिजली वो नहीं दिला पा रहे हैं, हमारे हक का स्वास्थ्य वो नहीं दिला पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे किशनगढ़ में जो नगर परिषद की कार्यशैली है उस पर मैं बड़ा सवालिया निशान इसलिए खड़ा करता हूँ क्योंकि प्रशासन शहरों के संघ जो अभियान था उसके तहत जो पट्टे मिलने थे वो पट्टे आज तक गरीब दर दर भटक रहे हैं, पट्टे नहीं मिल रहे हैं, सफाई व्यवस्था वहाँ दुरुस्त नहीं है। उसके अलावा जो सरकारी ज़मीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा इस भाजपा के 6 महीने 7 महीने के इस कार्यकाल में हुआ है वो बड़ा ही एक किशनगढ़ के लिए खतरनाक विषय है। 5वां मुद्दा मैं जो मांग लेकर आया हूँ वो है हमारे किशनगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। निश्चित तौर पर किशनगढ़ एक बड़ा शहर हो गया लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं वो लोग जब शादी ब्याह उत्सवों के सीजन में अपनी ट्रैक्टर अपना साधन खड़ा करने के लिए तकलीफ आते हैं, तो मैं जिला कलेक्टर महोदय को यही निवेदन किया कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो जहाँ गांव से आया हुआ किसान वहाँ का व्यापारी अपनी मोटरसाइकिल अपना साधन खड़ा कर सके और जो ट्रैफिक पुलिस की कम संख्या है उस संख्या को बढ़ाया जाए। हमने अल्टीमेटम दिया है 7 दिन का, मुझे लगता है कलेक्टर ने जिस प्रकार से हम सारे किसान भाइयों को हमारे वरिष्ठ कांग्रेसजनों को सुना है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे, अन्यथा हमने अल्टीमेटम दिया हम टेंट लगा के यहाँ बैठने वाले हैं। किसानों को लेकर हमने एक बात अराई बेल्ट के लिए कही कि यार अराई बेल्ट में 22 ग्राम पंचायत आती है और इस क्षेत्र को अन्न की उपलब्धता कोई कराता है तो अराई क्षेत्र करवाता है, बावजूद इसके वहाँ अग्निशामक यंत्र नहीं है। आज 46 डिग्री टेम्परेचर में जब किसानों के बाड़ों में उनके खेतों में आग लग जाती है तो आग लगने के बाद यदि किशनगढ़ और अजमेर से आग बुझाने वाली मशीन वहाँ पहुँचती है तब तक किसान खाक हो चुका होता है। इस कारण से हमने अग्निशामक यंत्र की मांग की है और नरेगा में जो समय हमारी माताओं का हमारे वहाँ किसानों का जो समय है वो 12 बजे से कम करके
क्योंकि इस टेम्परेचर में वो काम करें तो आप और हमसे छुपा हुआ नहीं है। आप पत्रकार बंधु केवल माइक और कैमरा लेके खड़े हैं तब इतने पसीने हैं, तो ये जो माताएं बहनें हमारी नरेगा में काम करती है तो आप और हम उनकी पीड़ा भली भांति समझ सकते हैं। इसलिए मैं ना केवल जिला कलेक्टर को ये मांग देने आया हूँ बल्कि यहाँ सत्ता में बैठी भजनलाल सरकार को जगाने आया हूँ। यहाँ बैठे उन 7 विधायकों को जिनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अजमेर जिले को किसनगढ़ को पानी पहुँचाएं, यहाँ के सांसद को जगाने आया हूँ कि आप जाग जाओ समय रहते, नहीं तो इस पूरे अजमेर जिले के किसनगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ता उनको जगाने का काम करेंगे।